अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि मारुति की सबसे पहली ईवी कुछ इस तरह की दिखेगी, तो मेरे पास आप लोगों के लिए एक सरप्राइज है, क्योंकि वो कुछ इस तरह की दिखेगी, जिसका कंसेप्ट हमने ऑटो एक्सपो 2023 में देखा था, और फिर उसके बाद हमने इसका क्लोजर टू प्रोडक्शन फॉर्म वर्जन देखा जापान मोबिलिटी शो में, जिसको भारत मोबिलिटी शो में भी डिस्प्ले किया गया था, और अब इसका फाइनल वर्जन भी रिवील हो गया है। एंड गेस व्हाट, इसका नाम ईवीएक्स से चेंज होके हो गया है ईवीटारा। तो इस वीडियो में आइए इसके बारे में डिटेल में जानते हैं और देखते हैं कि मारुति अपने ईवी लाइनअप के फर्स्ट मॉडल में क्या क्या चीजें ऑफर करने वाली है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जस्ट मेक श्योर कि आप वो लाइक और सब्सक्राइब बटन दोनों को दबा दीजिए। तो सबसे पहली चीज जो आपको जाननी चाहिए वो ये कि ईवीटारा राइवल करेगी टाटा कर्व ईवी, MGZS ईवी, BYD ATO 3 और अपकमिंग ईवीज के साथ भी, जैसे कि ह्यूंडई क्रेटा ईवी और हाँ महिंद्रा BE6e के साथ भी, जो कि अभी कुछ दिनों बाद 26th ऑफ नवंबर को रिवील होने वाली है। साइज एंड डायमेंशन वाइज ये 4.3 मीटर्स लॉन्ग होगी, 1.8 मीटर्स की इसकी विड्थ होगी और 1.6 मीटर्स की इसकी हाइट होगी। हालांकि जो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग फिगर है वो है इसके व्हील बेस का, जो होगा 2700 mm का। एज अ रिजल्ट ऑफ इट व्हील बेस वाइज ये टाटा कर्व ईवी और अपकमिंग क्रेटा ईवी से लंबी होगी, जो दोनों ही बेसिकली ICE डिराइव्ड इलेक्ट्रिक मॉडल्स हैं। और ऐसा इसलिए है क्योंकि ये बॉर्न इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म के ऊपर बेस्ड है। एज अ रिजल्ट ऑफ इट इसका जो व्हील बेस है वो कहीं कहीं BYD ATO 3 और महिंद्रा BE6e से मिलता जुलता होगा, जो दोनों ही EVs बॉर्न इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म के ऊपर बेस्ड है। हाउएवर प्रोडक्शन रेडी ईवीटारा में भी जो आपको Tri/LED DRLs मिलते हैं फ्रंट और रियर में, वो बिल्कुल कंसेप्ट जैसे ही हैं, और जो इसका चार्जिंग पोर्ट है वो आपको फ्रंट फ्लैंक्स पे मिलता है। व्हील साइज आपके चंकी 225/50 प्रोफाइल R19 तक जाते हैं फॉर ऑल व्हील ड्राइव वर्जन, लेकिन जो लेसर मॉडल्स हैं उसमें आपको 18 इंच अलॉयज भी मिलेंगे। और एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि रियर डोर के हैंडल को माउंट किया गया है सी पिलर पे, जस्ट लाइक द ओल्ड स्विफ्ट। ईवीटारा में आपको 180 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिलेगी, जो कि मोस्ट ऑफ द इंडियन रोड कंडीशंस के लिए सफिशिएंट है। और जैसा कि हमें पता ही है कि एक इलेक्ट्रिक कार है, तो जो इसका वजन है वो भी काफी ज्यादा होने वाला है, 1700 से लेकर के लगभग 1900 किलोग्राम के आसपास, ऑब्वियसली डिपेंडिंग ऑन द वेरिएंट जो आप चूज करते हो। और अब चलते हैं इसके इंटीरियर की तरफ, जहां पे गेम के लेवल को काफी अच्छे से बढ़ाया गया है। तो यहां पे आपको फ्लोटिंग टाइप ड्यूल स्क्रीन सेटअप मिल रहा है, जिसमें से एक इंफोटेनमेंट स्क्रीन है और दूसरा आपका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है। हॉरिजॉन्टली स्टैक डैशबोर्ड है और साथ में फ्लोटिंग सेंटर कंसोल है, जिसको ग्लॉस ब्लैक फिनिश दी गई है। ट्विन स्पोक फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील है, रेक्टेंगुलर एसी वेंट्स हैं जिनमें ब्रश्ड सिल्वर सराउंड्स हैं, रोटरी ड्राइव सिलेक्टर है एंड पार्ट फैब्रिक पार्ट लेदरेट अपोल्स्ट्री भी है। फीचर्स जो कि हम स्पॉट कर सकते हैं उसमें है इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक विद ऑटो होल्ड फंक्शन, ड्राइव मोड्स जिसके साथ आपको ट्रेल मोड्स भी मिलेंगे ऑल व्हील ड्राइव वर्जन के साथ, हिल डिसेंट कंट्रोल, सिंगल जोन ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल, वायरलेस फोन चार्जर, एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो, साइड कर्टन एयरबैग्स, हीटेड मिरर्स और हाँ कुछ ADAS फीचर्स भी, जैसे कि एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल हो गया, आपका लेन कीप असिस्ट हो गया। नाउ लेट्स होप कि मारुति इन फीचर्स को इंडिया में भी लेके आए। इस नए ड्यूल स्क्रीन सेटअप के साथ ऐसा लगता है कि आपको नया सॉफ्टवेयर भी मिलने वाला है, जिसमें आपको इंफोटेनमेंट स्क्रीन में काफी सिंपल लेआउट मिलेगा और वहीं डिजिटल डायल्स में आपको ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी। हाल फिलहाल हम सेकंड रो सीट के बारे में आपको यही बता सकते हैं कि उसमें आपको स्प्लिट फोल्डिंग अरेंजमेंट मिलेगा, एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलेंगे, 3-point सीट बेल्ट्स मिलेगी फॉर ऑल पैसेंजर्स, अलोंगसाइड दैट चाइल्ड सीट के लिए ISOFIX पॉइंट्स भी। हाई रूफ और लॉन्ग व्हील बेस होने का मतलब यह है कि आपको काफी अच्छा हेडरूम और लेगरूम मिल सकता है। अब बस देखना यह है कि कितना एफिशिएंटली इंजीनियर्स ने इसके अंडरफ्लो बैटरी पैक को मैनेज किया है, ताकि आपको कंफर्टेबल सीटिंग पोजीशन मिले। और इससे याद आया, इसके बैटरी पैक की बात करते हैं, तो जैसा हमें पता है कि ईवीटारा एक ऑल न्यू स्केटबोर्ड प्लेटफॉर्म के ऊपर बेस्ड है, जिसका नाम है हार्डटेक ई प्लेटफॉर्म, जिसके लिए कंपनी का क्लेम है कि इसमें आपको एडवांस फील ऑफ BEV के साथ रोबस्ट नेचर ऑफ SUV भी मिलता है। इंटरेस्टिंग पॉइंट, ये जो ऑल न्यू स्केटबोर्ड या फिर कह लीजिए डेडिकेटेड ईवी प्लेटफॉर्म है, इसको जॉइंटली डेवलप किया गया है टोयोटा के साथ, जिसका मतलब हो सकता है कि आगे आने वाले टाइम में हमें टोयोटा की तरफ से भी कोई ईवी इंडिया में देखने को मिले। इसके ऊपर आप लोगों का क्या विचार है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड नाउ कमिंग बैक टू द बैटरी ऑप्शंस, तो आपको दो बैटरी पैक के ऑप्शन मिलेंगे, 49 kWh एंड 61 kWh, और इनमें से जो बड़ा बैटरी पैक है यानी कि 61 kWh, उसके साथ आपको ड्यूल मोटर सेटअप और ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम भी मिलेगा, जिसको सुजुकी ने नाम दिया है ऑल ग्रिप ई। नाउ इन बैटरी पैक्स में जो बैटरीज यूज की जा रही हैं वो LFP ब्लेड बैटरीज हैं, जो कि चाइनीज बैटरी जायंट BYD से सोर्स किए गए हैं। नाउ वैसे तो रियल वर्ल्ड रेंज के बारे में इतनी कुछ खास डिटेल्स नहीं है, लेकिन जैसा कि पहले रिवील किया गया था कि 61 किलोवाट आवर के बैटरी पैक के साथ आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपको 500 किलोमीटर तक की रेंज मिल सकती है। नाउ 49 किलोवाट आवर बैटरी पैक के साथ आपको सिंगल मोटर सेटअप मिलेगा, जो कि फ्रंट एक्सल पे माउंटेड होगी और 144 हॉर्स पावर डेवलप करेगी। वहीं 61 किलोवाट आवर बैटरी पैक के साथ आपको एक तो सिंगल मोटर सेटअप मिलेगा, जो 174 हॉर्स पावर डेवलप करेगी और साथ में 189 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क, एंड अलोंगसाइड दैट आपको एक ड्यूल मोटर सेटअप भी मिलेगा ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम के साथ, जिसमें दोनों
दोनों ही मोटर्स कंबाइन 184 हॉर्स पावर डेवलप करेगी और साथ में 300 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क यानी कि पुलिंग पावर भी डेवलप करके देगी। और अब वीडियो एंड करने से पहले इसके एक्सपेक्टेड प्राइसेस भी डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को एक और बात बताना चाहता हूँ कि ई विटारा एक ग्लोबल मॉडल होगा सुजुकी के लिए, लेकिन जो उसकी प्रोडक्शन है ना वो यहीं इंडिया में गुजरात प्लांट में होगी, जिसमें प्रोडक्शन का 50% हिस्सा एक्सपोर्ट करने के लिए रखा जाएगा जापान और यूरोप जैसी मार्केट में। और इस बात से ये भी एक्सप्लेन हो जाता है कि क्यों इसका जो ग्लोबल डेब्यू है वो इटली में किया गया और इंडिया में नहीं। लेकिन यहाँ पे नोट करने वाली बात ये है कि इसकी जो सेल्स हैं वो मार्च 2025 में स्टार्ट होने वाली है और सबसे पहले इंडिया में शुरू होगी। और अब अगर आप लोग क्यूरियस हो कि इसका इंडियन डेब्यू कब होने वाला है, तो वो भारत मोबिलिटी शो जनवरी 2025 न्यू दिल्ली में हो जाएगा। इंडिया में ई विटारा के जो एक्सशोरूम प्राइसेस हैं वो एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं अराउंड 20 लाख रुपीज फॉर द बेस मॉडल विद 49 किलोवाट आवर बैटरी पैक, और वहीं जो 61 किलोवाट आवर बैटरी पैक वर्जन होगा उसके प्राइसेस लगभग 25 लाख रुपीज के आसपास हो सकते हैं। एंड जो ऑल व्हील ड्राइव वर्जन होगा उसके एक्सशोरूम प्राइसेस आप मान के चलिए कि 30 लाख रुपीस तक जा सकते हैं। तो जब तक ई विटारा की सेल्स इंडिया में शुरू होगी तब तक महिंद्रा भी अपनी BE6e को लॉन्च कर चुके होंगे, हुंडई भी अपनी क्रेटा ईवी को इंडिया में लॉन्च कर चुके होंगे, और टाटा कर्व ईवी, MG ZS EV और BYD Atto 3 की सेल्स तो ऑलरेडी चली रही है, जिसका मतलब ये है कि मार्च 2025 में काफी मजेदार मुकाबला होने वाला है। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। और जैसा कि आपको पता ही है कि हम ई विटारा का प्रॉपर रेंज टेस्ट, एफिशिएंसी टेस्ट एंड परफॉर्मेंस टेस्ट सब कुछ करेंगे, तो अगर आप लोग वो चीज नहीं करना चाहते हैं तो मेक श्योर कि आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। और जाते जाते आप लोगों को एक न्यूज और दे देता हूँ कि ई विटारा हार्टेक ई प्लेटफॉर्म के ऊपर बेस्ड सबसे पहली ईवी होने वाली है पूरी फैमिली ऑफ ईवीज की, और सिमिलर प्लेटफॉर्म के ऊपर बेस्ड एक इनोवा साइज्ड ऑल इलेक्ट्रिक MPV भी आने का प्लान है, जो अगेन टोयोटा के साथ ही मिलकर बनाई जाएगी। एंड इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, आई होप कि वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, लाइक करना मत भूलिएगा, और अब यहाँ पे क्लिक करके आगे की वीडियोस देखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।